T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 आखिर कौन सी टीम होगी ये अब तय हो गया है, और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है तो वो है नामीबिया की टीम। अफ्रीकी देश नामीबिया के साथ साथ होस्ट कंट्री ओमान की भी चर्चा हो रही है। ये दोनों देश क्यों चर्चा में हैं? ये हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले बात सुपर 12 में क्वालिफाई करने वाली नामीबिया की। नामीबिया T20 इंटरनेशनल मेंस रैंकिंग में 19वें नंबर पर है और विश्व कप खेलने वाला सबसे निचली रैंकिंग वाला देश है। सुपर 12 में क्वालिफाई करने के लिए नामीबिया ने 8 विकेट से आयरलैंड को हराया। आपको बता दें कि नामीबिया को सिर्फ 2 साल पहले ही ICC का स्टेटस मिला है। 25 लाख की जनसंख्या वाले नामीबिया में केवल 9 क्रिकेट स्टेडियम हैं और 5 क्लब्स हैं। नामीबिया पहली बार T20 वर्ल्ड कप में जगह पाने में कामयाब हुआ है और उसका मुकाबला ग्रुप बी में भारत, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ। इससे पहले साल 2003 वर्ल्ड कप में नामीबिया शिरकत कर चुकी है। नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस की भी काफी तारीफ हो रही है। अपनी टीम को सुपर 12 में पहुंचाने के लिए इरास्मस ने अर्धशतकीय पारी खेली। इसके अलावा नामीबिया की टीम की इसलिए भी तारीफ हो रही है क्योंकि उसने आयरलैंड और नीदरलैंड जैसी अनुभवी टीम्स को हराया है। नामीबिया की सुपर 12 में एंट्री से क्रिकेट एक्सपर्ट्स और कई क्रिकेटर्स खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन लीग स्टेज से आगे जाने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं कर रहा है। लेकिन क्रिकेट जगत को एक नई टैलेंटेड टीम मिल गई है। अब बात करते हैं ओमान की। ओमान की बात इसलिए क्योंकि T20 विश्व कप के पहले राउंड के पहले 6 मैच ओमान ने होस्ट किए थे। साथ ही ओमान क्वालिफायर राउंड में खेला भी, लेकिन सुपर 12 में जगह नहीं बना पाया। ओमान क्रिकेट के चेयरमैन हैं पंकज खिमजी। खिमजी का मानना है कि वर्ल्ड कप होस्ट करने से उनके देश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। पंकज खिमजी ओमान के खिमजी रामदास परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो कि दुनिया का इकलौता हिंदू शेख परिवार है। ये परिवार करीब 150 सालों से ओमान में है और ओमान की अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए ये परिवार काफी सम्मानित है। ओमान में क्रिकेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन पंकज खिमजी ने सीमित समय में तैयारियां की और मैच करवाए।